Good morning. I am Dr. Vikas Jain, Director and Senior Consultant, Department of Urology and Kidney Transplant from Narayana Superspeciality Hospital, Gurugram. जैसा कि मैंने बताया कि मैं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और आज मैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में ही आपको कुछ बताना चाहूंगा. एंड इन द बिगनिंग आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट एट नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम वी हैव स्टार्टेड किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम. किडनी ट्रांसप्लांट उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें जिनकी किडनी खराब हो जाती है. नॉर्मली एक व्यक्ति के अंदर दो गुर्दे होते हैं, किडनीज होती हैं, और जब ये दोनों किडनी खराब हो जाती हैं और उनका काम 15% से कम रह जाता है तब हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करते हैं. रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दो तरह की होती हैं, एक या तो आप कंटिन्यूसली हफ्ते में 2 से 3 डायलिसिस करवाएं या किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं. तो अगर दोनों के बारे में बताया जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अ बेटर ऑप्शन. किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक डोनर का होना है. डोनर इंडियन लॉज के हिसाब से कोई घर का व्यक्ति ही हो सकता है. तो इंडियन ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के हिसाब से माता पिता, भाई बहन, 18 साल की उम्र के बच्चे, हस्बैंड वाइफ, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ये अपने एक किसी भी पेशेंट को अपना गुर्दा या किसी भी अंग का दान कर सकते हैं. तो अगर आपका कोई पेशेंट किडनी रोग से पीड़ित है और उसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बताया गया है तो किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दा प्रत्यारोपण के बारे में आप सोचें. और अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको गुर्दा दे सकता है तो ये बेस्ट ऑप्शन है. आप गुर्दा किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बात करें तो एक बड़ा ऑपरेशन है, बट आजकल बहुत ही आसान तरीके से किया जाता है. द रिजल्ट्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट्स हैव ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 10 to 20 ईयर्स एंड द रिजल्ट्स हैव बीन एक्सीलेंट. सो 90 से 95% पेशेंट्स जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं वो ठीक रहते हैं और उनकी किडनी नॉर्मल तरीके से काम करती है. किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर हम लोग यूजुअली डोनर की एक किडनी निकालते हैं और पेशेंट में लगा दी जाती है. अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि डोनर को क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो यूजुअली डोनर को इस ऑपरेशन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आजकल हम गुर्दा जो है वो दूरबीन से निकालते हैं. तो दूरबीन से गुर्दा निकालने से ये फ़ायदा होता है कि डोनर 3 से 4 दिन में घर जा सकता है और यूजुअली 1 हफ्ते के बाद वो अपना नॉर्मल रूटीन काम कर सकता है. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पेशेंट ठीक रहे तो उसको डायलिसिस से आप ही बचा सकते हैं और डायलिसिस से बचाने के लिए आपको उसको अपना अंग एक दान करना पड़ेगा. अगर आपके पास डोनर है और पैसों का इंतजाम है तो आपको गुर्दा प्रत्यारोपण के बारे में सोचना चाहिए. द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट्स हैव बीन अराउंड 90% एट 5 ईयर्स एंड 80% एट 10 ईयर्स. अगर इसको अगर मैं डायलिसिस से कंपेयर करूँ तो अगर डायलिसिस में 5 साल के बाद यूजुअली 60 से 70% ही जीवित रहते हैं और 30 से 40% पेशेंट्स नहीं जीवित रहते हैं. तो अपने पेशेंट्स को अगर आप बचाना चाहते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, आपको उसके बारे में एडवाइस किया गया है आपके नेफ्रोलॉजिस्ट द्वारा और आपके पास डोनर हैं और पैसों की व्यवस्था है तो आप नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में इस बारे में सोच सकते हैं. वी हैव गॉट वेरी एक्सपीरियंस टीम ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हु कैन लुक आफ्टर योर पेशेंट्स वेरी वेल. सो इसके बारे में सोचिए और आगे आइए. थैंक यू सो मच.